खबर डबरा से मिल रही है, जहां गंगा वेयर हाउस पर किसानों का हंगामा हुआ है। पल्लेदारों द्वारा तुलाई नहीं करने को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। दो दिनों से खड़ी बिना तुले 60 से 70 ट्रॉली। पल्लेदारों का आरोप, 22,000 क्विंटल तुलाई करने के बाद भी नहीं मिला है पैसा। पैसा मिलने के बाद ही की जाएगी ट्रॉलियों की तुलाई। इस दौरान बरसात होने से किसानों का हो सकता है लाखों का नुकसान। जब भी प्रशासन ने कह रखा है कि आपका मैसेज आएगा जब आप हमारे पास ट्राली लेके आना, तो हमने मैसेज का इंतज़ार किया। जब भी मैसेज आया जब हम अपनी ट्रॉली को लेके आए यहाँ पर, जब ट्रॉली जहाँ आई तो हम रात में 2-2 बजे से उठ के ट्रॉली लेके आ रहे हैं। जब बाहर रोड पे सड़क पे खड़ी कर लेते हैं, तो खड़ी करने के बाद में जब गेट खुलती है सवेरे, हम अंदर आए। अंदर आने के हमने देखा यहाँ पे तो कम से कम 50 ट्रॉली हमारे किसानों के साथ साथ 50 ट्रॉली लगी हुई है। बदल हो रहा है, पानी की बरसात हो रही है। पानी जब भी बरस जाएगा हमारे युवा 27 दिन तुलाई हो गए करते हुए, उनको आज तक एक पैसा भी नहीं आया उनके खाते में, और इसलिए वो परेशान है, इसलिए उसने काम बंद कर दिया है। किसानों का कहना है कि प्रशासन यहाँ के प्रबंधक के द्वारा उनको मैसेज किया था, मैसेज के दौरान उन्हें तुलाई करनी चाहिए। हम मैसेज आया है उनका, लेकिन अब लेबर ही काम नहीं कर रही, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं। अब उनकी समस्या कैसे दूर होगी, अगर इस दौरान मान लो अगर बरसात हो जाए तो उनकी तो फसल खराब हो जाएगी पूरी। वास्तविक खराब होगी, लेकिन अब लेबर नहीं तैयार हो रही। हमने बहुत दिनों से उनको मना के रखा है, रोज कह रहे जा रहे, लेकिन आज वो नहीं माने, भाग गए आज। तो आपने इस दौरान क्या किया उनकी समस्या के लिए? समस्या क्या, उनकी कोई समस्या अभी तो जैसी कोई समस्या नहीं है। लेबर अगर मान जाती है तो देखते हैं।